डिस्कस करेंगे एवीबी, एसीएस और इसके अलावा मॉडल होता है आगे 150 मॉडल होता है, 350 मॉडल होता है, 550 मॉडल होता है। मॉडल्स में और भी अपग्रेडेड है, 560 मॉडल है, 580 मॉडल है, है ना। तो वो अभी हम वो जो रिमोट का उसका जो कीपैड होता है ना, वो थोड़ा अलग टाइप का उसमें पैरामीटर रहेगा उसका भी। अभी तो हम पुराने मॉडल के बारे में क्यों डिफाइन करते हैं। अब पुराने मॉडल में हम इस कमांड स्टार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट स्टॉप और डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम एक्सटर्नल कमांड वन जो हमारा है, इसमें हम लॉजिक क्या क्या लेंगे। अगर हमें मालूम हो कि पल्स स्टार्ट करना है और स्टॉप करना है, तो हम सिलेक्शन करेंगे 1001 में 3। 1001 में जब अगर हम 3 सिलेक्शन करते हैं तो इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है। जैसे हमारा ये इसमें लिखा हुआ है DI1 0 ग्रेटर इक्वल 1 लिखा हुआ है। इसका लॉजिक मतलब ये हुआ कि DI1 जो हमारा 0 रहेगा, अगर DI1 0 रहेगा तो हमारा पहले स्टॉप कंडीशन में रहेगा ये, अगर हमारा 0, और जब इसको पल्स देंगे हम, अगर ये पल्स हम अप्लाई करेंगे, पल्स देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 0 से 1 कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो DI1 को अगर हम पल्स देते हैं तो ये स्टार्ट कमांड में रहेगा, और यहाँ पे जो पुश बटन हम यूज़ करेंगे DI1 के लिए, नॉर्मली यनो टाइप का स्टार्ट पुश बटन यूज करेंगे, ठीक है। फिर हम अगर DI2 को हम चाह रहे हैं स्टॉप कमांड के लिए, तो DI2 को अगर हम स्टॉप कमांड के लिए चाहेंगे तो उसके लिए जो DI लॉजिक होगा ये होगा 1 ग्रेटर इक्वल 0 होगा, ये भी पल्स स्टॉप कमांड होगा। इसमें क्या करेंगे, ये इसमें जो पुश बटन होगा हमारा एजेंसी टाइप का यूज़ करेंगे, और ये स्टॉप कमांड के लिए होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें भी ये बना लेते हैं कि DB नंबर, इसका 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, हम ज़्यादा यहाँ नहीं यूज़ कर रहे हैं DB, तो इसलिए हम इतना ही बना रहे हैं DB का, जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम बताते रहेंगे। तो 9 नंबर हमारा 24 वोल्ट DC सप्लाई होता है, और ये होता है हमारा निगेटिव होता है, ये कॉमन होता है, और ये हमारा DI1 हो गया, ये DI2 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ 24 वोल्ट को यहाँ इसको कॉमन कर देते हैं, और यहाँ 24 वोल्ट को हम क्या ले रहे हैं, पुश बटन से स्टार्ट ले रहे हैं, तो एक हमारा स्टार्ट पुश बटन होगा, ये स्टार्ट होगा, और ये यनो टाइप का पुश बटन होगा जो हमारे इसमें आएगा सीधे 24 वोल्ट, यहाँ से पल्स देंगे तो स्टार्ट कमांड हो जाएगा, और ये हमारा ENC टाइप का रहेगा जो हमारा ये पल्स टाइप का कंटिन्यू मिलता रहेगा, तो ये हमारा हेल्दी कंडीशन रहेगा। जैसे ही ENC यनो हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, तो DI1 जब हमारा बन जाएगा तो स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें हमारा DI1 में इसमें अगर हमारा 0 गया तो हमारा स्टॉप कमांड हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप करने का कंडीशन, कि कैसे हम स्टार्ट स्टॉप करेंगे। और इसके अलावा जैसे हमें मान लो कि स्टार्ट स्टॉप खाली काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर हमें वो चलाना है एक तो डायरेक्शन हमें डिफाइन करना है कि मतलब हमारा स्टार्ट करें तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, तो 1003 पैरामीटर में जाएंगे, ठीक है। 1003 पैरामीटर में 1 डाल देंगे तो ये मोटर हमारा फॉरवर्ड में स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कमांड जाएगा। अगर हम 2 डाल दिए उसमें तो हमारा रिवर्स में चलेगा, ठीक है। और 3 डाल देंगे तो बोथ हो जाएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों हम कमांड दे सकते हैं, ओके। इसके अलावा हम क्या इसमें मान लो कि हमें BFD को पोटेंशियोमीटर से भी चलाना है, तो हमें जो इसमें AI1 होता है और 10 वोल्ट होता है और एक ग्राउंड होता है, तो इसको क्या है 10 वोल्ट से हम इधर कॉन्फिगर कर देंगे, ग्राउंड को यहाँ से जोड़ देंगे, और ये सिग्नल जो है हमारा 10 वोल्ट को जैसा भी हम पोटेंशियोमीटर से हम रोटेट कराएं जाएंगे, जो पोर्ट रहेगा यहाँ, पोर्ट जो होती है कैपेसिटी 10K का रहता है या 20K का भी ले सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, जितना ज़्यादा करेंट का लेंथ का रहेगा उस हिसाब से वोल्टेज हमारा, तो रेंज जो रहेगा वोल्टेज का वो तो 0 से 10 ही के बीच में रहेगा। और इसके क्रॉस में लोड जो है आर इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, जितना भी 10K है तो 10K ओम लगा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम जब यहाँ बी रेफरेंस निकालेंगे वोल्टेज, तो हम यहाँ मान लो हमारा R1 है, ये R2 है, और ये BCC पावर सप्लाई हो गया प्लस, तो यहाँ से हम R2/R1+R2×BCC यहाँ से डाल देंगे, तो यहाँ से बी हमारा मान लो सपोज यहाँ मान लो कि ये टोटल है मतलब 100K का, तो ये मान लो 5K आ गया, और यहाँ 5K और प्लस यहाँ 10 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 5/10 के कट जाएगा × 10, तो ये 10 से कट जाएगा तो 5 वोल्ट DC आ जाएगा बी रेफरेंस। तो इस केस में हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी 5 वोल्ट पे 25 हर्ट्ज होगी,
क्योंकि 0 से 50 रेंज है। तो अगर हमारा 0 से 10 वोल्ट है तो उस केस में है, और अगर हमारा यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट रहेगा तो उस केस में हमें पता चल जाएगा कि 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ होना चाहिए। ओके, तो ये